गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर छाबड़ा आज मोटापे से रिलेटेड एक इशू पर डिस्कस करूंगा। वो ये है, क्या आपको मोटापा है या नहीं। उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पर शेयर करूंगा टेबल के थ्रू, जिससे आप जान पाएंगे आपका स्टैंडर्ड वेट है या ओवर वेट है। हाँ, हम कैसे जानेंगे कि कोई ओवर वेट है या नहीं। उसके लिए एक टेबल है, आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, आइडियल हाइट वेट चार्ट के नाम से टेबल मिलेगी आपको। ये WHO द्वारा दी गई है और मैं एक एग्जांपल बताता हूं। कोई मेल है, उसकी हाइट है मान लीजिए 5'8" या मीटर में नापे हैं तो 1.7 मीटर, तो उसका आइडियल वेट होना चाहिए 63 to 76 किलोग्राम। इसका मतलब ये हुआ, अगर थिन स्केलेटन का आदमी है उसका मैक्सिमम वेट होना चाहिए 63, और थिक स्केलेटन का है 76, और एवरेज स्केलेटन का है इन दोनों के अंदर एवरेज। अब स्केलेटन देख के आप ये जान पाएंगे आपका मैक्सिमम वेट ये है। भले वो ब्रॉड स्केलेटन का आदमी है, उसका वेट 76 किलोग्राम ऊपर है, उसको हम ओवरवेट कहेंगे। इसी तरह फीमेल में एक एग्जांपल लीजिए, लड़की है, उसकी हाइट है 5'4" और उसकी हाइट मीटर्स में है 1.60 मीटर, तो उसका वेट होना चाहिए 49 to 60 किलोग्राम। तो अगर 60 किलोग्राम से ज्यादा है ओवरवेट है, मगर वो थिन स्केलेटन की है तो उसका 49 केजी से ज्यादा वेट है तो भी उसको ओवरवेट कहा जाएगा। ये टेबल आपको नेट से मिल सकती है। और एक नेक्स्ट है मेथड है देखने का कि आप मोटे हैं नहीं, तो बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स में और पहले वाला जो मैंने चार्ट बताया था उसमें फर्क ये है, वो लड़कों में लड़कियों में, मेल और फीमेल में अलग अलग टेबल थी, मगर बॉडी मास इंडेक्स की जो टेबल दी है वो मेल और फीमेल में एक ही टेबल है, एक ही कैलकुलेशन है, एक ही मेथड है। इसको कैसे देखेंगे, कैसे परखेंगे, कैसे जानेंगे? ओबेसिटी एंड मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स को शॉर्ट बोलते हैं BMI। आप BMI अपना कैलकुलेट कैसे करेंगे? BMI कैलकुलेट करने का ये मेथड है, आप अपना वेट जानेंगे किलोग्राम में, आप वेट कितना किलोग्राम है, और जो हाइट जो भी आप मीटर में नापेंगे, हाइट इन मीटर्स, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका BMI आ जाएगा। अगर BMI आपका 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से कम है तो आप नॉर्मल इंसान हैं, आप ना ही मोटे हैं, ना ही ओवरवेट हैं, ना ही अंडरवेट हैं। अगर आपका वेट 25 से 29.9 की तरफ है तो आप ओवरवेट हैं। अगर आपका ये 30 से ऊपर चला गया, आप ओबीज हैं, जिसको हम कहते हैं मोटा है, वास्तव मोटे हैं, तो आप ओबीज हैं। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, मैं एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोई मेल या फीमेल, उसका वेट है 80 किलोग्राम और उसकी हाइट है 1.65 मीटर, तो 80 divided by 1.65 into 1.65, क्योंकि इसका स्क्वायर लेना हमने, तो कैलकुलेट करके आ गया 29.4। अगर आपका BMI 29.4 आ गया तो आप ओवरवेट हैं। एग्जांपल टू मैंने लिया, अगर किसी का मेल या फीमेल, उसका वेट 55 किलोग्राम है और उसकी हाइट 1.55 मीटर है तो उसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ गया 22.9, ये नॉर्मल वेट। आप कहेंगे ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कैलकुलेट करने का। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप नेट पर जाएं और नेट पर सर्च करें तो आपको एक टेबल मिल जाएगी, BMI कैलकुलेटर के नाम से टेबल मिलेगी। आइए अपना आप अपना वेट डालिए उसके अंदर, हाइट मीटर में डालिए, आपको कैलकुलेट करके आ जाएगा कि आपका BMI कितना है। BMI देखिए, अगर आप देखिए 25 से कम है तो आप नॉर्मल वेट हैं, 25 से 30 तक है आप ओवरवेट हैं, 30 से ऊपर आ गया तो आप ओबीज हैं, आप टेबल से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी को टेबल को मैं डिटेल दे रहा हूं। अगर आपका BMI लेस देन 18.5 है, आप अंडरवेट हैं, आपको वेट गेन करने की जरूरत है। अगर 18.5 से लेकर के 24.9 है, आप नॉर्मल वेट हैं। अगर 25 से 29.9 है, आप ओवरवेट हैं। 30 टू 34.9 आ गया, ओबीज हैं, आप मोटे कैटेगरी में आ गए। 35 टू 39.9 है, शिवरली ओबीज, आप बहुत मोटे हो गए। और ग्रेटर देन 40 हो गया तो मॉर्बिडली ओबीज, एक्सेसिवली आप ओबीज हैं। तो
तो ये थी टेबल, आप इस टेबल से जान सकते हैं आप मोटे हैं नहीं, आपकी मर्जी से नहीं चलेगा। आप कहें मैं तो मोटी नहीं हूं, मैं मोटा नहीं हूं, ऐसा नहीं होगा। जो टेबल है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टेबल दी हुई है, आपको उनको चेक करना पड़ेगा, टेबल देख के आप बता सकते हैं आप मोटे हैं या नहीं है। थैंक यू।